नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम आरबीएससी की कक्षा 11वीं कक्षा का मॉडल पेपर चित्रकला सब्जेक्ट का लेते हैं, जो आरबीएससी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। 2021 की परीक्षा पैटर्न के आधारित ये मॉडल पेपर जारी हुआ है। इस मॉडल पेपर में ऐसे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपकी 2021 में अप्रैल में एग्जाम होगी उसमें आएंगे। तो बने रहना है आप इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि राजस्थान के सभी कक्षाओं की तैयारी चैनल पर करवाई जाती है। अगर आपको और भी किसी और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर चाहते हैं तो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपको और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, चित्रकला का मॉडल पेपर है और आपका चित्रकला का 24 नंबर का होगा, और आपका पेपर करने का टाइम है वो 3.25 घंटे का होगा। कुछ नियम है आपको पढ़ लेने हैं, मैं आपको प्रश्न की ओर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी तो ये है कि इस बार आपके अभसद वाले क्वेश्चन आएंगे, 10 प्रश्न है वो अभसद वाले आएंगे। यहाँ पर अभसद वाले प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से, तो आप अभसद वाले पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन, 8वां, 8वां क्वेश्चन, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपके 8, 9 और 10, 11, ये कुछ खाली जगह दी गई थी। 8, 9, 10 और 11 इनकी आपको खाली जगह भरनी है। फिर आपके यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं 12। फिर आपके खंड ब में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर देखते रहिए। सिख काल में हरा रंग कैसे तैयार किया जाता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 2021 की आपकी परीक्षा में आएगा, तो इस क्वेश्चंस को आपको रट लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और हड़प्पा काल में मानक मुर्दा किस धातु की बनाई जाती थी, हड़प्पा काल था उसमें मानक मुर्दा की किस धातु से बनाई जाती थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी, 99% है वो इस एग्जाम में आएगा आपके। सिंधु सभ्यता में मन के किस आकार के होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता है उनमें मन के किस आकार के होते थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। लोमस ऋषि की गुफा कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और मौर्य काल कौन सा शिल भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। फिर यहाँ पर दिया हुआ, गांधार में पाई गई बौद्ध की प्रतिमा किस शैली से प्रभावित है, गांधार में पाई गई बौद्ध की प्रतिमा है वो किस शैली से प्रभावित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रांची स्तूप का निर्माण का क्या उद्देश्य था, रांची में जो स्तूप है उसका निर्माण कराया था, उसका आपको क्या उद्देश्य था वो आपको लिखना है। फिर आपका 20वां प्रश्न दिया गया है, अमरावती स्तूप किस राज्य में है, इसमें किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया है, किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी। फिर यहाँ पर खंड स में दिया गया, प्राक इतिहास किसे कहा जाता है, प्राक इतिहास है वो किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर मूल मूर्तियां से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। फिर मौर्य कालीन स्तंभ और एकेमिनियन स्तंभ में क्या अंतर है, मौर्य कालीन स्तंभ और एकेमिनियन स्तंभ में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरहुत की मूर्ति कला के मुख्य विषयों पर आपको उल्लेख करना है, इंपॉर्टेंट है। फिर मथुरा और सारनाथ की बौद्ध प्रतिमाओं में क्या प्रमुख अंतर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आप इन प्रश्नों को तैयार कीजिए, मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ आपके एग्जाम में ये जरूर आएंगे, क्योंकि इस बार एनसीईआरटी सिलेबस में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस मॉडल पेपर में आ चुके हैं। फिर 26वां क्वेश्चन खंड द है, इसमें आपको दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग साज सिंगार के प्रति जागरूक थे, आपको स्पष्ट करना है। फिर आपको 27वां क्वेश्चन में टिप्पणी करनी है किसी एक सब्जेक्ट पर, यक्षिणी दीदारगंज और सिंह शीर्ष सारनाथ पर आपको टिप्पणी करनी है। फिर महाराष्ट्र की वाकट कालीन कांस्य प्रतिमाओं पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है आपको। फिर यहाँ पर खंड यह आता है, अजंता की गुफाओं का परिचय देते हुए उनके स्थापत्य मूर्तियों व प्राप्त चित्रों की आपको विशेषता बतानी है। फिर इसके अथवा में दिया गया है, गांधार शैली और मथुरा शैली में क्या अंतर है, आपको वर्णन करना है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा। फिर लुप्त मौन प्रक्रिया का वर्णन करना है। फिर आपको इसके अथवा में दिया गया छोट कालीन नटराज की कांस्य मूर्ति की विशेषताओं को स्पष्ट करना है आपको। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको तैयार करना है। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए। और भी मॉडल पेपर चाहते हैं तो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, क्योंकि राजस्थान की सभी कक्षाओं की तैयारी चैनल पर करवाई जाती है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।